के शहर से हूँ, गजब का मिजाज है, लोग पूछते हैं तो मुस्कुरा कर कहती हूँ, जनाब लखनवी अंदाज है, एक शाम गुजार के तो देखो मेरे शहर में यकीनन मोहब्बत हो जाएगी पूरे शहर से। तो गाइस आज मैं आपको ले आई हूँ फिर से लुलु मॉल। तो जैसे ही हम लुलु मॉल में एंट्री करेंगे, लेफ्ट हैंड पे हमें मुड़ जाना है और यहाँ पर टू व्हीलर पार्किंग दे रखी है, मल्टी लेवल की पार्किंग है जो कि बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ से हम अपना टिकट यानी टोकन लेंगे और यहाँ पर टू व्हीलर की दो तीन अंडरग्राउंड भी पार्किंग है, तो इसके बाद आप उसको नीचे खड़ा कर सकते हैं। अगर यहाँ फुल हो तो आप नीचे जाकर खड़ा कर सकते हैं, मतलब बहुत अच्छा यहाँ का मैनेजमेंट है गाड़ी पार्क करने का, मल्टी लेवल की पार्किंग है। सो अभी यहाँ पर हमने आज ऊपर की ओर खड़ी करी है, लेकिन जब मैं पिछली बार आई थी तो मैंने सबसे नीचे खड़ी करी थी गाड़ी, यानी बिल्कुल फुल था। तो अभी यहाँ पर गाड़ी खड़ी कर दी है ऊपर वाल, और सबसे अच्छी बात यह है कि गाड़ी चाहे सबसे नीचे हो या जहाँ भी हो तो हर जगह से आपको मॉल के अंदर की एंट्री का रास्ता है। ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी कि मतलब ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ से ऊपर चढ़ के आना पड़ेगा, आपको नीचे ही से पार्क करने की सुविधा मिल जाएगी। तो यहाँ से हम अब बाहर निकलते हैं, तो अभी मैं आपको कार पार्किंग दिखाती हूँ। तो देखिए आज का मौसम भी बहुत ज़बरदस्त है, कितने प्यारे आसमान लग रहे हैं। सो अभी यहाँ पे कार पार्किंग दिखाती हूँ, तो बस यहाँ पर साइड में ही कार पार्किंग है। जैसे ही आप एंट्री के गेट पे आएंगे उसके साइड में कार पार्किंग दे रखी है, आप देख भी सकते हैं गाड़ियों की कतार लगी हुई है, यानी लोगों के अंदर इतना जोश है लुलु मॉल आने का, भाई क्यों नहीं होगा, इतने दिन से वेट कर रहे थे। तो ये देखिए यहाँ पर कार पार्किंग है, और कार पार्किंग भी 4-5 फ्लोर ऊपर की ओर है। तो बस अब हम एंट्री करेंगे, ये एंट्री गेट है बस यहाँ से। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दुनिया सबा। तो आज मैं हाइपर मार्केट पूरी तरह से एक्सप्लोर कराऊंगी, फिलहाल अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं लुलु मॉल कितना खूबसूरत दिख रहा है, उसके ऊपर जो ये आसमान दिख रहा है कितना प्यारा लग रहा है। सो मैं दोबारा से आपको आपके लिए यहाँ पर आई हूँ क्योंकि मैं अच्छे से एक्सप्लोर कराना चाहती हूँ, जो लोग लखनऊ में नहीं रहते हैं वो अच्छे से जान सके कि यहाँ पर क्या चीज़ कहाँ मिलती है। सो आप सबके लिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आपकी वजह से ही मेरे 600 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। बहुत बहुत खुश हूँ, हालांकि ये बहुत बड़ी बात उन लोगों के लिए नहीं होगी जो बड़े यूट्यूबर्स हैं, बट मेरे लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कराए, सपोर्ट कराए, मैं उनके लिए यही दुआ करूँगी अल्लाह उन्हें कामयाब करे। सो अभी यहाँ पर 60% ऑफ चल रहा है हाइपर मार्केट में, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये 60% ऑफ का है, ये 17 जुलाई तक ही सीमित है। यहाँ पर आपको हाइपर मार्केट की मैं पहले भी वीडियो डाल चुकी हूँ, बट आज मैं जो रह गया था सेक्शन वो दिखाऊंगी। यहाँ पर कस्टमर सर्विस बैग डिपॉजिट, यानी जो भी आप कैरी वगैरह लैगेज लिए होंगे यहाँ जमा कर देंगे। तो अभी गाइस मैं आ चुकी हूँ लुलु मॉल में, यहाँ पे चिकन मार्केट में। सो अभी मैं आपको यहाँ एक्सप्लोर कराऊँगी, तो कीप वॉचिंग। अमेजिंग है यार हाइपर मार्केट में, यानी मीट बाज़ार अमेजिंग, यानी मतलब अगर आप यहाँ पर आ जाओगे तो आपको चिकन ही चिकन नज़र आएगा, यानी जिस चीज़ के सेक्शन में आओगे आपको वही चीज़ नज़र आएगी। सो यहाँ पे देखिए ये पैकिंग में, जैसे आप नगेट्स बनाना चाहते हो तो उसकी पैकिंग है, अगर आप घर पे ले जाके फ्राई करना चाहते हो पीसेज में कट है इसकी, मतलब बोनलेस भी है वो अलग पैकिंग है, और मतलब एकदम रीजनेबल प्राइस है जो आप बाहर से लेते हो। सबसे अच्छी चीज़ एकदम क्लीन, साफ़ सुथरा, फ्रेश आपको मौजूद है, आप ले जाओ बस बनाओ। आप देख सकते हैं होल चिकन स्किनलेस, ये आप देख सकते हैं सबके प्राइस मेंशन है इस पर, तो यानी बिल्कुल महंगा नहीं है, 199 में स्किन लेस यानी आपको मिल जाएगा। ये होल चिकन है, इससे आप कई डिशें बना सकते हो, जो लोग पूरा होल पसंद करते हैं ग्रिल करके खाना वो भी बन जाएगा, या जो यानी कि जो तंदूरी बोला जाता है वो बना सकते हैं। और फिर भाई लखनऊ तो खाने के लिए ऑलरेडी मशहूर है, तो हर इंसान चिकन भी नहीं पसंद करता है नॉनवेज, ये देखिए आप देख सकते हैं, जो नॉनवेज नहीं पसंद करते हैं उनके लिए वेज की भी सुविधा दी गई है। फिलहाल अभी आप यहाँ चिकन को देख सकते हैं, चिकन के क्यूब्स भी हैं बोनलेस चिकन का, ये देख सकते हैं आप, यानी इसके फिंगर क्यूब्स भी अवेलेबल हैं, बोनलेस ब्रेस्ट, यानी ये सारे चिकन का कीमा, यानी सब कुछ यहाँ पर है, और 285 में बोनलेस चिकन है 1 kg, और यहाँ पर मैरिनेट किया हुआ भी चिकन अवेलेबल है, जैसे कि आपको मलाई
चिकन टिक्का चाहिए, तंदूरी चिकन टिक्का चाहिए, सबके बोर्ड देखिए मेंशन है, ये कबाब वाला भी चाहिए है, ब्लैक चिकन भी है, मतलब हर तरह के चिकन है, चिकन मलाई, चिकन तंदूरी, चिकन अफगानी, यानी सभी तरह के चिकन मैरिनेट किए हुए हैं ताकि आप जाएं और घर में इसे फ्राई करें और खाएं। यानी जब आपके घर में कोई गेस्ट आ रहा हो और अगर आपको ज़रूरत है, आपको जल्दी में बनाना है, तो आप यहां से ले सकते हैं और ख़ुद के लिए भी आप बना सकते हैं। और यहां पर देख सकते हैं आप इसकी सारी जितनी भी कैटेगरीज हैं वो सब कुछ अवेलेबल है, मतलब सब कुछ है, तो आप खुद देख सकते हैं। बहुत अच्छा मुझे ये चीज़ लगी हाइपरमार्केट में कि मतलब खाने पीने की जो चीज़ है वो बहुत बेस्ट है। तो अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी, ये 300 रुपये में आप देख सकते हैं, और मतलब सबके रेंज मैंने मेंशन कर रखे हैं, आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पर हर तरह के रेंज लगे हुए। तंदूरी है, एक कबाब चिकन है स्पाइसी, ये 290 रुपये के जी है। आप ये भी देख सकते हो, चिकन टिक्का भी है, मतलब चिकन लॉलीपॉप भी है, यानी हर तरह का चिकन आपको मिल जाएगा जो आप खाना चाहते हैं, क्योंकि ये बाहर की भी कंट्रीज़ के यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आप देख सकते हैं ये पूरी चिकन की बाज़ार लगी हुई है, यानी अगर किसी को पूरा मैरिनेट किया हुआ चिकन चाहिए है वो भी ये ले सकता है, और जो मतलब मैरिनेट किया हुआ नहीं है वो भी आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी चिकन की यहाँ पर शॉप है, यानी अवेलेबल है। सो कीप वॉचिंग, अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। मटन का है तो ये देख सकते हैं यहाँ पर मटन के तो जो लोग भी मटन खाते हैं, मटन के शौकीन हैं, उन्हें मटन के सारे पार्ट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे मटन हार्ट भी रखा हुआ है, आप देख सकते हैं, लीवर, सॉरी हार्ट लीवर, यानी जो कुछ भी आप खाना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। ये मटन मटन के जो जो जितने भी बोन मिक्स हैं वो भी हैं, और इसके रेंज भी काफ़ी रीज़नेबल हैं। यहाँ पे जो मटन स्नैक आप बनाते हैं, कितना उसमें मेहनत लगती है, आपको बने बनाए मिल जाएंगे। रोस्ट लेग मिल जाएगा, उसको आप फ्राई करें, मसाला लगा के बनाएं। बाकी यहाँ पे मैरिनेट किए हुए हैं ये सॉसेज हैं, और यहाँ पे मटन पेपर, यानी सब लगा हुआ, सबके अलग अलग कैटेगरीज, जैसे कि चिकन में दे रखी है वैसे ही मटन में भी दे रखी है, मैरिनेट किए हुए हैं ताकि आप घर जाएँ उसे फ्राई करें। अभी मैंने जो आपको दिखाया ये मटन का सेक्शन है, और अब मैं आपको जो दिखाऊंगी वो फ़िश का है, यानी फ़िश सेक्शन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से मतलब एकदम फ्रेश, अभी मैं इसको दिखाऊंगी दीवार से, हर तरह की फ़िश आपको यहाँ पर मिलेगी। तो भाई यहाँ फ़िश देख के तो दिमाग ख़राब हो गए, हर कैटेगरीज़ की फ़िश हैं, और एकदम बर्फ़ में रखी हुई ताज़ी ताज़ी ये आपको फ़िश मिल जाएगी। सो आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आपको हर कैटेगरी की जो भी आप खाते होंगे, और बाहर की भी फ़िशें हैं, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं बाहर की भी सारी फ़िशें अवेलेबल हैं, और जो भाई हम लोग नॉर्मल खाते हैं वो भी अवेलेबल है। और ये रेड वाली तो मुझे एक रेड फ़िश थी जो बहुत पसंद है, और यहाँ पर ना ये तीतर बड़ा वाला है जो लोग खाते होंगे, मुझे तो नहीं पता, और ये प्राउन्स हैं, यानी हर कुछ है। और रेड वाली है मुझे सबसे ज़्यादा, ये रेड फिश ना बहुत अच्छी लगी, बट खाने के लिए नहीं, देखने के लिए बहुत अच्छी लगी। यानी जो लोग यहाँ आएंगे उन्हें सब कुछ मिल जाएगा, अगर वो फ़िश खाते हैं तो फ़िश भी मिल जाएगा। और पता है यहाँ पर ये रेड फिश आप देख रहे हैं कितनी प्यारी लग रही है, इसका नाम भी मैंने यहाँ पे शो कर दिया है क्योंकि पूरी तरह से। और ये देखिए यहाँ पर ये मुझे केकड़ा दिख रहा है, लग रहा है ये केकड़ा ही है ना। तो ये सब ना यहाँ पर बहुत सारा सामान है फ़िश का भी, हर तरह की फ़िश कैटेगरीज दे रखी हैं, और जो लोग फ़िश के लवर्स हैं, जो फ़िश पसंद करते हैं, उनके लिए तो भाई ये बेस्ट जगह है। तो मुझे ज़्यादा फ़िश नहीं पसंद है इसलिए मैं स्किप करती हूँ। भाई आप लोग देखिए, मैं आप लोगों को दिखाने के लिए दिखा रही हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे आप फ्राई करने के लिए भी फ़िश ले सकते हैं, ताकि यहाँ पे पढ़न फ़िश, ये मैं खाती थी, मतलब कभी कभार खाती हूँ, खाती थी नहीं खाती हूँ। और बाकी आप देख सकते हैं रेहू है, ये भी मुझे थोड़ी बहुत पसंद है, और ये है रेहू फ़िश ब्लैक, ये 356 रुपये के जी है।
और यहाँ पर जो सिंपल में है 225 रुपये है रेहू फिश, यानी दोनों की अलग है। रेहू फिश की देखिए 1 kg है 225 दिखा रहा है, और 175 भी है। तो अभी इसके ना जो वो जो क्या होते हैं उसे बोलते हैं जो सब खाते हैं, झींगे बोले जाते हैं, सॉरी। और यहाँ पे ये फ़िश पकड़ने का सामान भी है, यानी जो भी इसके फ़िश का सामान होता है वो सारा सब कुछ अवेलेबल है। यानी बहुत अच्छा फिश का भी सेक्शन बना रखा है, यानी लाइन से सारे सेक्शन होंगे। ये देखिए जो ये झींगे होते हैं, यानी जो लोग झींगे खाते हैं जिसे बोलते हैं, मुझे नहीं पता और क्या बोलते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि और क्या झींगों को बोला जाता है, मैं यही जानती हूँ। तो ये ना ये भी यहाँ अवेलेबल हैं सब। और यहाँ पर देखिए चिकन का तो मैं पहले ही दिखा चुकी हूँ, मटन के भी पार्ट्स जो जो आपको पसंद हो वो सब यहाँ पैकिंग में हैं, ये आप देख सकते हैं, मैंने मेंशन भी करा है, वो सब भी यहाँ उपलब्ध हैं कि आप आएँ और ले जाएँ। तो अभी हम आ गए हैं यहाँ पर इस सेक्शन में जहाँ है चिकन ग्रिल, यानी यहाँ आपको पूरा चिकन ग्रिल या आप कुछ भी खाना चाहते हैं तो सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। जैसे आप हाइपर मार्केट से लेना चाहते हो, खाना चाहते हो, तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो अभी मैं इसको एक्सप्लोर कराऊँगी, दिखाऊँगी यहाँ क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो जो लोग यहाँ पर खाना चाहते हैं कुछ, जैसे ऊपर नहीं जाकर हाइपर मार्केट में ही आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए पिज़्ज़ा हैं जो सब कैटेगरीज़ के हैं और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में हैं। यहाँ पे आपको चिकन के भी सारी, मतलब चिकन समोसा, चिकन के नगेट्स, यानी सब कुछ मिल जाएंगे। फ्राई राइस, चिकन के चिली चिकन और चिकन नूडल्स, ये सारे सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए ये बिरयानी है, अवधी चिकन बिरयानी, ये सब गल्फ़ कंट्री की बिरयानी है, तो जो टेस्ट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ये मटन अवधी बिरयानी है, यानी ये सब गल्फ़ कंट्री की है, क्योंकि मैंने इनसे बातचीत की थी, ये इन्होंने बोला ये गल्फ़ कंट्री की बिरयानी है, तो इसे कभी ट्राई करें, और बहुत ज़्यादा कोई महंगा नहीं है भाई। जो लोग सिर्फ लूलू मॉल देखने आ रहे, ज़रूरी नहीं है हर एक के पास बहुत पैसा हो, तो वो बिल्कुल निराश ना हो कि भाई हम वहाँ जाएंगे मेरा बहुत खर्चा होगा। तो मैं उनको यही सजेस्ट करूँगी, आप इस सेक्शन में आइएगा, अगर आपको कुछ भी खाना पीना है यहाँ से आप पैक करा कर ऊपर वाली फ्लोर पर जा कर बैठ कर आराम से खा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लगन चिकन और लगन मटन ये सब मिल जाएगा। यानी ये देखिए आप देख सकते हैं, सबको मैंने मेंशन कर रखा है। यहाँ पे तंदूरी चिकन है, चिकन के भी सारे चिकन समोसा ओनली 30 रुपीज़ में, और मैंने यहाँ से चिकन विंग्स लिए थे जो कि पर पीस 30 रुपीज़ का है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। यानी बिल्कुल अगर आपके पास 100 रुपये भी हैं तो आप 100 रुपये में भी खा सकते हैं, बिल्कुल आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैं लूलू मॉल जाऊंगा या जाऊंगी और मेरे पास, क्योंकि हर इंसान नहीं इतने पैसे मतलब अफोर्ड कर पाता है, इतने पैसे रख पाता है जाने के लिए, भाई हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, मैं समझ सकती हूँ। मैं खुद कह रही हूँ, मैं खुद मिडिल क्लास घर से हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं इतना खर्चा कर सकूँ बच्चों के साथ। तो आप कम पैसों में अगर खाना चाहते हैं तो यहाँ से अच्छा बेस्ट कुछ भी नहीं होगा। यहाँ हाइपर मार्केट से आप लेकर, यहाँ बैठने की सुविधा नहीं है, बट यहाँ से आप पैक करा कर सेकेंड फ्लोर पर जाकर आराम से बैठ कर खा सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर सब कुछ है, मतलब सब कुछ, समोसा पेटीज चिकन की सब कुछ दे रखा है। तो आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पर कितनी भीड़ है, लोग पैक करा रहे हैं ऊपर खाने के लिए। कुछ लोग यहाँ पे देखिए नान रोटी वगैरह हैं। मैं यहाँ पे आपको जो गल्फ कंट्री की खबूस रोटी होती है वो आज यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि कल परसों में जब यहाँ पर थी, मैंने जब मैं पहले आई थी मैंने खाया था, बट आज नहीं थी। और यहाँ पर ये देखिए मलाई चिकन है, सब कुछ है, और सबसे अच्छी बात पर पीस भी आप ले सकते हो, जैसे समोसा, चिकन विंग्स, चिकन मटन के जो कटलेट होती हैं, मतलब सब कुछ आप 30 रुपीज़ पर पीस, और अच्छा खासा बड़ा पीस होता है कि आप खा लोगे आपका पेट भी भर जाएगा। तो ये सब इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि कभी भी आप आएँ तो, अगर आपके पास जेब में ज़्यादा पैसे नहीं है तो बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ आकर हाइपर मार्केट से खा सकते हैं। 199 में देखिए आपको चिकन दिखा रहा है, ये 55 रुपये पर पीस है, सबके इसीलिए मैंने मेंशन कर दिए हैं। आप इसको रोक रोक कर भी देख सकते हैं अपनी वीडियो में कि क्या चीज़ मैंने कितने की बताई है। जब आप हाइपर मार्केट आएंगे तो हाइपर मार्केट में ये पीछे सेक्शन में है, तो आप देख सकते हैं ये पूरा स्वीट्स का कॉर्नर दे रखा है, यानी यहाँ सारी मिठाइयाँ आपको हर तरह की मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं। तो
अभी मैं आपको वेज खाना दिखाऊंगी कि वेज खाना किधर है। यहाँ से हमने हलवा लिया, यानी मैंने कहा चलो टेस्ट करते हैं, तो बिल्कुल बढ़िया सा हलवा, ग्रीन पिस्ता हलवा। ये 25 रुपए का 100 ग्राम मुझे इन्हीं ने दिया था, तो ये मैं ले गई और मैं इसे ऊपर बैठकर खाऊंगी। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे शुगर फ्री भी मिठाइयाँ हैं और एकदम फ्रेश मिठाइयाँ, यानी सब कुछ अवेलेबल है। आप बिल्कुल जो भी चीज़ खाना चाहते हैं हाइपर मार्केट से ले सकते हैं। यह हाइपर मार्केट में पीछे सेक्शन में है खाने का फूड पूरा, और यहाँ पर जो वेज खाना पसंद करते हैं उनके लिए भी वेजिटेरियन खाना है, क्योंकि नॉनवेज खाना हर इंसान नहीं पसंद करता है, सबको नॉनवेज बिल्कुल नहीं पसंद आता है। और आप मिठाई में भी देख सकते हैं सारी कैटेगरीज है, काजू कतरी, जो भी लोग स्वीट्स पसंद करते हैं उनके लिए पर पीस भी आपको मिल जाएगा, सबसे अच्छी यही बात है। नमकीन में डालमोट वगैरह भी हैं। यहाँ पे हम वेज सेक्शन में आते हैं, तो यहाँ पे आपको आलू के जो भी स्नैक हैं, पनीर के हैं, वो सब आपको मिल जाएंगे और बहुत रीजनेबल प्राइस में। और नूडल्स है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, पनीर के सारे, मतलब जो भी चीज़ें, पनीर टिक्का, पनीर तंदूरी, ये देखिए 75 रुपए में आपको राजमा मसाला मिल जाएगा, यहाँ पे कढ़ाई पनीर है, सबके मैंने मेंशन भी दिखाए हैं आपको कि इतने रुपीज़ में इतना मिलेगा। यहाँ से आप बढ़िया सा खाना पैक कराएं जब भी आप भूखे हों, और ऊपर जाकर आराम से बैठ कर खाएं, तो मतलब ये आपको खाना कम का पड़ेगा, बहुत कम का पड़ जाएगा। आप अगर नहीं ज़्यादा मतलब खरीद सकते हो, कम में लेना चाहते हो, तो यहाँ बहुत बेस्ट है। ये पनीर का देखिए दे रखा है, पनीर की सारी है, पनीर पुलाव है, मतलब सब कुछ वेजिटेरियन में भी सारी वैरायटीज़ हैं, यानी जो भी आप लेना चाहते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्रेवी में सब कुछ दे रखा है, सांभर है, ये लेमन राइस है, ये सारी चीज़ें यहाँ मैंने मेंशन कर दी हैं, दिखा दी हैं। आप रोक रोक के वीडियो में देख सकते हैं, भाई मैं ज़्यादा इसे एक्सप्लोर नहीं करा पाऊँगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, फिर आप बोलोगे बहुत लंबी वीडियो बना दी। ये तंदूरी आलू है, ये पनीर टिक्का मलाई है, यानी सब कुछ है, और पर पीस भी आपको मिल जाएगा, ये बात मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, पर पीस भी आप लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप अगर बाइट्स में खाना पसंद करते हैं तो ये देखिए समोसा है 30 रुपये पर पीस, ये ब्रेड पकौड़ा 32 रुपये का है, यहाँ पर खस्ता जो है वेजिटेरियन, ये सब वेज का है, मतलब सब कुछ आपको वेज का मिलेगा। तो देर किस बात की, आइए खाइए और मज़ा लीजिए खाने का, अभी बहुत कुछ होगा। तो बस गाइस मैं आ चुकी थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, तो बस अब मैं यहाँ पर आराम कर रही हूँ। ये फूड कोर्ट एरिया है जहाँ पर फूड कोर्ट का बना हुआ था, ये वहाँ का है, तो एकदम बाहर जैसा लुक लग रहा है जैसे कि हम फॉरेनर कंट्रियों में देखते थे, ये ग्लास से सब कुछ दिख रहा है और पता कितना खूबसूरत लग रहा है, सनशाइन भी उसकी आ रही है। तो अभी हम लोगों ने सब हम यहाँ पे जो मैंने पिस्ता ग्रीन हलवा लिया था वो मैं अभी यहाँ पे आपको टेस्ट करके बताऊँगी कि ये खाने में कैसा है। तो बहुत मतलब यहाँ का लुक बहुत मुझे अच्छा लगा, ये फूड कोर्ट एरिया है तो मैं इस साइड बैठी थी जिधर ग्लास था, क्योंकि मुझे यहाँ का लुक बेहद अच्छा लग रहा था। तो चलिए मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा यमी था और प्योर देसी घी से बना था, तो मैं आपसे यही कहूँगी आप जब भी आइए तो हाइपर मार्केट से ही लेकर आइए, तो खा सकते हैं, ऊपर भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कम पैसों में आप खाना चाहते हैं तो मैं यही सजेस्ट करूंगी आप हाइपर मार्केट से आप लेकर खाइए तो ज़्यादा बेहतर होगा, वरना आप ऊपर खाना चाहते हैं तो ऊपर बहुत सारा, मतलब आप देख सकते हैं फूड सीटर कोर्ट जिधर दे रखा है वहाँ बहुत सारा आपको खाने पीने के आइटम्स मिल जाएंगे, जो भी आप पसंद करते हैं आप खा सकते हैं। फ़िलहाल मैं मीठा बहुत कम पसंद करती हूँ और मैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी, इसी जगह से मैं स्टार्ट करूँगी, और आज मैं पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं करा पाई हूँ, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको पूरा दिखाऊँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर अगर नए हों से सब्सक्राइब बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल एंड शेयर माई चैनल। तो कीप वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।